ओके, तो अभी हमने एक्सट्रूड फीचर्स देखा, तो वही फीचर का यूज़ करके हम एग्जांपल एक क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एग्जांपल में ये है, ये एक पार्ट है। यहाँ ये कोर्स में जो भी एग्जांपल दिए जाएंगे वो सारे पीडीएफ अवेलेबल है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, तो हमारे पास ये एक पार्ट है जिसका फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में है, जिसका आइसोमेट्रिक व्यू हमें यहाँ से दिख रहा है। ओके, तो ये पार्ट हमें क्रिएट करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? वेल, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप यहीं से टॉप व्यू या साइड व्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। एज़ पर आवर कन्वीनियंट और प्रॉपर डायमेंशन से बनना चाहिए, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मुझे यहाँ से ये एक इजिएस्ट वे मुझे लग रहा है कि भाई अगर मैं ये व्यू लूँ तो मुझे प्रॉपर एक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डायमेंशन यहाँ लिखा है 80 और इसका रेडियस है 20 और यहाँ है 40, यानी कि 40 और 60 का एक स्क्वायर बनेगा और नीचे है एक सर्कल बनेगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ। ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ से एक मिड पॉइंट लाइन ले रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए। 20, एंटर। ओके, ये 20 मैंने क्यों लिया, क्योंकि दिस इज मिड, तो ये 40 है, करेक्ट? तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ओके, 60 का, और यह हो गया 40। ओके, चलो तो यहाँ एक लाइन है एक्स्ट्रा, और डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये है 40। तो इतना तो मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और ये हो गया यहाँ एज़ पर ड्राइंग। अब इंटरनल डायमेंशन है डायमीटर 16, अंदर का है 16 का है। ओके, लेकिन पहले उससे पहले मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ट्रिम टूल। ओके, तो हमने ट्रिम यहाँ से कंप्लीट कर लिया है और ये यहाँ से डायमीटर 16, एंटर। तो चलो इतना स्केच मेरा कंप्लीट हो गया है। अब उसको कितना एक्सट्रूड करना है, देखो यहाँ से एक्सट्रूड लिखा है 12 mm। ओके, तो मैं यहाँ से 12 mm का एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड, फ्लिप डायरेक्शन 12, एंटर। ओके, तो मेरा एक जॉब था यहाँ कंप्लीट हो गया 12 का, तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ अभी मैं ऊपर से, मुझे यहाँ लिखा है ऊपर से कितना है 58, तो 58 माइनस 12 बराबर जो भी डायमेंशन आएगा वो यहाँ का अप टू यहाँ का है। ओके, ये ड्राइंग का है। तो मैं यहाँ से स्केच इसके फेस पे, ये राइट क्लिक और स्केच इसके टॉप पे मैं कर रहा हूँ। अब इस टाइम मैंने यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं लिया, मैंने इस फेस पे काम किया है और डायरेक्टली मैं यहाँ से दे रहा हूँ ये डायमेंशन और हो गया ना। तो अभी मैंने डायमेंशन तो दिया नहीं है बराबर, तो अभी ये कितना होना चाहिए, ये है 58। ओके, तो मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन दे रहा हूँ टेम्पररी पर्पस, मुझे ये चाहिए 58। ओके ना, अब इस बार ऐसा कुछ हुआ क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर अलाइन लिंक नहीं हुआ था यहाँ, दैट्स वाई। तो वो प्रॉपर लिंक क्यों नहीं है, देखो यहाँ गैप है, तो इसको हम कर देते हैं पियर्स, अब वो एरर नहीं आएगी। हो गया परफेक्ट। देखो हमने यहाँ से 58 कर दिया, बाकी का डायमेंशन तो सेम टू सेम ही है, ऊपर का मेरा रेडी हो गया। अब मुझे चाहिए अंदर, पहले मैं ट्रिम कर लेता हूँ और डायमीटर 16 हो गया। तो ये देखो इतना ड्राइंग मेरा रेडी हो गया। अब इसको करता हूँ एक्सट्रूड, फ्लिप डायरेक्शन और 12। तो देखो अभी ये ड्राइंग इसके साथ प्रॉपरली मर्ज हो गया। हाँ, अब ये मर्ज क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ फीचर्स में देखूँ तो यहाँ से मैंने मर्ज रिज़ल्ट टिक किया है। अगर मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ तो यहाँ टू क्वांटिटीज़ दिखाएंगे सॉलिड की। देखो यहाँ मुझे सॉलिड की टू क्वांटिटी दिखा रही है, दैट मीन्स ये एक बॉडी अलग है और ये एक बॉडी अलग है। मुझे हमें अलग बॉडी नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, दैट्स वाई मैं यहाँ से दे रहा हूँ मर्ज रिज़ल्ट। ओके फाइन, तो ये मेरा इतना पार्ट रेडी हो गया, देख लीजिए।
ना अभी यहाँ से ये 20 है और यहाँ से 20 है, और कुछ है नहीं है, ओके। और उसको एक्सट्रूड कितना करना है वो भी 12 ही है, देखो यहाँ दिया है। तो ये फेस पे, ये फेस पे स्केच, ओके। नाउ क्या है कि भाई वहाँ से 20 का रेक्टेंगल है और उसके बाद ये है 40 और ये है 20 और ये है रेडियस 20, हो गया ना। इसको ट्रिम कर दो और यहाँ से सर्कल 16, एक्सट्रूड, फ्लिप डायरेक्शन और 12, ओके ना। तो ये मेरा स्केच रेडी हो गया है। अभी वही चीज सेम टू सेम मुझे ये फेस पे भी करना है ना। अभी जो मैंने पेंडिंग रखा था एक टूल जिसको कहते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, तो उसका मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ कन्वर्ट एंटिटीज का, ओके। तो राइट क्लिक स्केच, तो मैंने ये फेस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। मुझे फिर से सेम टू सेम डायमेंशन मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कन्वर्ट एंटिटीज़ का टूल का। कन्वर्ट एंटिटीज़ का मतलब है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जिसका प्लेनर स्केच है या प्लेनर 3D है जिसका हम स्केच आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली वो 3D का स्केच बन जाएगा। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ ले रहा हूँ, ये डायरेक्टली फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली मैं फेस सिलेक्ट किया और ओके, तो वो मुझे यहाँ जनरेट होके आ गया, ओके। और भी मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ये सर्कल चाहिए, ओके, तो वो भी मेरा क्रिएट होके आ गया। सी मेरा जनरेट हो गया। अब मुझे करना है एक्सट्रूड, फ्लिप डायरेक्शन। तो ये मेरा ड्राइंग बन गया अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, देख लीजिए आप, ओके। ये PDF आपको डाउनलोड सेक्शन में से मिल जाएंगी, और भी PDF है जो आपके लिए मैंने रखी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में, थैंक यू सो मच।